द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की युवा शाखा के नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बुधवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ना तो पहले नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में और ना ही अब आमंत्रित किया गया, क्योंकि वह विधवा हैं और आदिवासी समुदाय से आती हैं। उन्होंने आगे कहा, इसी को ही हम सनातन धर्म कहते हैं। इससे पहले तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से की थी, जिसके बाद देश भर में तीखी बहस छिड़ गई थी। खासकर बीजेपी ने इस मुद्दे पर स्टालिन के बहाने इंडिया गठबंधन को भी घेरा था। अब एक बार फिर बुधवार को मदुरई में पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति? उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि वह आदिवासी समुदाय की हैं और विधवा हैं। इसे ही हम सनातन कहते हैं। हम सनातन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। इसके अलावा उदयनिधि स्टालिन ने बताया कि जब महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया था, तब भी हिंदी अभिनेत्रियों को आमंत्रित किया गया, जबकि राष्ट्रपति को उनके व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण बाहर रखा गया। उन्होंने दावा किया कि ये घटनाएं ऐसे फैसलों पर सनातन धर्म के प्रभाव का संकेत है। सनातन को लेकर की गई अपनी पूर्व टिप्पणी पर कायम रहते हुए उदयनिधि ने कहा कि लोगों ने मेरे सिर पर इनाम रख दिया, लेकिन मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूँ। डीएमके की स्थापना ही सनातन के खात्मे के लिए हुई थी और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं। आपको बता दें कि इसी साल 28 मई को पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, लेकिन उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था। इसे लेकर विपक्ष के 21 दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उनकी दलील थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों करवाया जाना चाहिए था, न कि प्रधानमंत्री के हाथों।